मीडिया डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे साथ आज रोहित सिंह जी है जो कि इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। वेलकम सर। हेलो, गुड मॉर्निंग और वेलकम सूरत। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आया हूँ हेयर एडवाइज़र में सूरत में, तो इट्स अ वेरी गुड मोमेंट। सर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपने आपका करियर कब स्टार्ट किया और आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे यही लाइन चूज करनी चाहिए? ओके, डेफिनेटली इट्स बीन 14 इयर्स, अब तक 14 साल हो चुके हैं। और सडनली मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा था एंड ड्राइंग करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं मेकअप इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट चूज़ किया प्रोडक्ट सेलिंग का, जैसे ब्रांड्स में, मॉल्स में हम जब जाते हैं तो वो मैंने चूज़ किया। और वहाँ करते करते अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एक्ट्रेसेस आने लगी, तो बहुत से एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटीज़ ने कहा कि रोहित क्यों ना तुम शो कर सकते हो, ये कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो। तो फर्स्ट कदम मैंने चूज़ किया ब्राइडल करना, और ब्राइडल करते करते एक्सपोजर मिलते गया एंड सडनली आज सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का एक यू नो एक टॉपिक मुझे मिला है एंड आई फील वेरी नाइस। सर आपको, आप नॉर्मल ब्राइडल मेकअप करते हो तो आपको फर्स्ट ब्रेक जो सेलिब्रिटी मेकअप का कब आपको मिला? ओके, यस, मैं एक ब्रांड है जिसको सब जानते हैं, मैक मेकअप, जो बहुत से बड़े बड़े मॉल्स में है। तो मैं वहाँ पर 5 इयर्स मेकअप आर्टिस्ट का भी जॉब कर चुका हूँ। तो वहाँ पर मुझे बहुत से मेकअप आर्टिस्ट आते थे, क्यों ना तो फ्रीलांसिंग करता है, कर सकते हो आप? एंड मैंने बोला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बट यस, जैसे राखी सावंत है, ये जो जो सेलिब्रिटीज़ है एंड उन्हें आके मुझसे कहा कि रोहित मेरे शोज के मेकअप करोगे आप, आई सेड व्हाई नॉट। एंड मुझे अंदर से कॉन्फिडेंट आते गया एंड आज मैं सेलिब्रिटीज मेकअप आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता हूँ। सो आपने कौन से सेलिब्रिटीज को आपने मेकअप किया है? फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला था है रश्मि देसाई, जिसको तपस्या के नाम से सब जानते हैं। उनका मैंने रियल वेडिंग मेकअप भी किया है। नच बलिए है, फिर आशका गोराडिया है, उनके फोटोशूट्स किए हैं। और जैकलिन फर्नांडिस का मैंने फर्स्ट किया था जब वो मिस इंडिया के इसमें एंकर थी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिला था मुझे सहारा स्टार मुंबई में। सेकेंड है जीना थमान, ऑफकोर्स डेली में उनके अवार्ड शोज में। देन आई हैव आई थिंक मैनी, बट राखी सावंत, अर्शी खान, मोनिका बेदी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलते गए। तो जब आप मेकअप के लिए जब एक्ट्रेसेस आती है तो आपको, आप किस तरीके से शुरुआत करते हो उनका मेकअप करने के लिए? यानी कौन से इवेंट में जाने वाले हैं तो आप किस टाइप का टचअप आप देते हो? यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट थिंग मेकअप आर्टिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि फंक्शन इवेंट क्या है और कॉस्ट्यूम क्या है। जैसे अगर राखी आ जाती है, उनका स्टेज शो है, तो उस हिसाब से हम ग्लैमरस आइज करते हैं, रेड हॉट लिप्स करते हैं। जैसे कभी कोई अवार्ड शो के लिए आ गई, रेड कार्पेट लुक, दैट मींस उसमें भी एक एलिगेंट लुक देना पड़ता है मुझे। तो इट डिपेंड्स, और मेकअप आर्टिस्ट को बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में ये जानने के लिए कि फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनका फीचर्स, उनके फेस। कॉस्ट्यूम्स के आजकल इतना लोग नहीं जा रहे हैं, मेकअप और कॉस्ट्यूम बहुत कॉन्ट्रास्ट हो रहा है आज की दुनिया में, सब ट्रेंड में जा रहे हैं, दैट इज आई मेकअप, लिप्स और वो टाइप्स के। ऐसा जानने में आया है कि आप मेकअप का जो किट हाथ में जब आता है तब मैजिकल की तरह आपका फिंगर्स चलता है, तो अनुमान देखा गया है कि कोई भी नॉमिनल मेकअप आर्टिस्ट होता है तो कम से कम 2-2.5 घंटे एक आर्टिस्ट के पीछे लगा देते हैं। अनुमान 2-2.5 घंटे लगा देते हैं, लेकिन आप सिर्फ 20 मिनट के अंदर कोई भी आर्टिस्ट आ जाए तो आप उनको रेडी करके सामने आप करवा पेश कर देते हो, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? ये सबसे पहली बात, बहुत शॉकिंग हो जाता है जैसे ब्राइड्स आती हैं। मैं ये तो आपको एक वीडियो भी भेज सकता हूँ राखी का, बिकॉज राखी ने खुद शॉक्ड हो जाती है कि भाई तुम इतने जल्दी कैसे मेकअप करते हो। तो वो क्या करती हैं, जहाँ उनका शो रहता है 2 घंटे का टाइम, वो मुझे हमें सिर्फ 40 मिनट्स बुलाती है, तो मैं और महेश मिलके दोनों उनको 40 मिनट्स के अंदर तैयार करते हैं। रीज़न ये है कि लोग मुझे पूछते हैं कि आप प्रोडक्ट्स भी वही इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरे आर्टिस्ट भी, पर आपका क्या रीज़न है? ये चीज़ है कि मैं इतने सालों से मैंने फेस पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है आइडिया, टेक्निक्स। और मैं जब वर्कशॉप्स भी करवाता हूँ मलेशिया, सिंगापुर, दिल्ली, कहीं भी, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं टेक्निक राइट दूँ, कौन से ब्रशेज एप्लीकेशन राइट दूँ।
और जहाँ तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है सूरत में आने का, और यहाँ पर मैंने बहुत से लुक्स किए ये वीक में, एंड इट इज़ एन एक्सेलेंट, ब्राइट से लेके मिडिल एज से लेके ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि मैं इतने कम टाइम पे क्यों करता हूँ. बिकॉज आई थिंक मैं आज तक जो सीखा हूँ मेकअप में वो है क्लैरिटी मेकअप. मैं चाहता हूँ सब कुछ क्लैरिटी हो, और मैं दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को भी ये रिकमेंड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, फेस की फीचर्स को पढ़ो एंड देन टेक अ स्टेप अहेड. सो सूरत की सही सभी महिलाओं को मैं एक कहना चाहता हूँ कि किसी को भी मेकअप करने की करना हो तो आप रोहित सिंह जी को कांटेक्ट कर सकते हैं. सर आपका कांटेक्ट करना हो तो yes, कैसे करें? डेफिनेटली. अभी बॉम्बे में तो ऑफकोर्स मैं सेटल्ड हूँ, बट यहाँ पर भी मैं हूँ सूरत में हेयर एडवाइजर में, जहाँ पर राज सलून चला रहे हैं. तो ये एक दूसरा सेक्शन है जहाँ पर मैं मेकअप का हेड हूँ. तो आप मुझे हेयर एडवाइजर में पार्ले पॉइंट में भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.